शहीदवान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है बकरा ईद की सबसे आसान और स्पेशल रेसिपी। इसके लिए मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, जिसे मैंने साफ करके धो के रखा हुआ है। 3 दरमियाने साइज के प्याज हैं, जो मैंने काट के रखे हुए हैं। लहसुन छील के रखा हुआ है, 3 अदद हैं। और ये 4 मिर्ची हैं, 2 टमाटर हैं, और ये अदरक के 2 चम्मच अदरक है जो मैंने कूट के रखी हुई है। और जिसके लिए मुझे चाहिए नमक 2 चम्मच, 1.5 किलो गोश्त के लिए 1 चम्मच सुरख मिर्च, साबुत खड़ा मसाला, हल्दी और थोड़ा सा मेरे पास 1/2 चम्मच कढ़ाई मसाला, ये डालूंगी इसके अंदर। 1 चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्च के ऐड करूँगी, अभी मैं आपको बताती हूँ। और मुझे चाहिए इसके लिए 1/2 किलो से थोड़ा ज़्यादा पानी, ये मैं पानी डालूँगी। हमने इसको दबेट दिए हुए 10 से 15 मिनट हो गए। आप 10 मिनट पे एक दफ़ा चेक कर लें, अगर नहीं हुआ तो फिर 5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन मेरा मैं चेक करने लगी हूँ। 10 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जो इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन डाला था, सब गल गया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी घी ऑयल डाल के। आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल सकते हैं, घी है तो घी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1/2 कप, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने ज़्यादा डालें तो डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको अब मैं इसको बनाई करूँगी। 10 मिनट इसको मैं अच्छी तरीके से चूल्हे पे रखूँगी। मैं इसके अंदर 1/2 कप तेल डालूँगी। अब ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये है कूटा हुआ धनिया, ये 1/2 चम्मच, और ये है गरम मसाला 1/2 चम्मच, ये टूटा हुआ गरम मसाला अच्छे से भूना है। ये देखें मैंने इसको भूना है, इसका घी इलायदा हो गया मेरे से। और ये माशाल्लाह देखें, तमाम मसाले हैं वो अंदर गल गए हैं, गोश्त भी इतने अच्छे तरीके से गल गया। और माशाल्लाह ये देखें, मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। अब हमें ये देखें माशाल्लाह ये हम अदरक और मिर्च की गार्निश के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और रेसिपीज़ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बहुत सा सपोर्ट दें।